जिया खान मामले में अब फैसला आ चुका है, सूरत पंचोली को सजा मिली है या फिर बरी कर दिया गया है, क्या आया है फैसला, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो 2019 में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और आज फैसला आ गया है। इस फैसले का इंतजार पिछले 10 सालों से किया जा रहा था, लेकिन जिया की मां राबिया ने, हालांकि फैसला जो है कोर्ट में थोड़ा जल्दी आ जाता, लेकिन जिया खान की मां राबिया खान ने जो है कुछ चीजें लिखित में लिख कर दी थी और इसके बाद जो है फैसले को 12:30 बजे तक होल्ड कर दिया गया था। और अब जो फैसला आया है उसमें सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। लेकिन जी हां, सूरज पंचोली को इस पूरे मामले में राहत मिल गई है। सीबीआई ने उन्हें जिया खान सुसाइड केस में पूरी तरह से बरी किया है। सूरज उनके परिवार के लिए ये खुशी का मौका है, वहीं जिया खान की मां की उम्मीदें टूटी हैं। जिया की मां राबिया आज ही फैसले के लिए मुंबई आई थी, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी। 10 साल बाद जिया खान मामले पर फैसला आया है। इस फैसले का इंतजार जिया खान की मां बेसब्री से कर रही थी। जिया का निधन 3 जून 2013 को हुआ था। उनके इस कदम ने हर किसी को हैरान कर दिया था। उनके पास तीन फिल्में उन्होंने की थी और पहचान बना ली थी। जिया के निधन के बाद उनके पास से एक जो सुसाइड नोट मिला था उसमें सूरज पंचोली का काफी बार जिक्र था। उन्होंने बताया था कि कैसे वो और सूरज एक दूसरे से प्यार करते थे और बाद में एक्टर ने उनके साथ किस तरीके का बर्ताव करना शुरू किया। सूरज ने उन्हें एक बार घर से बाहर तक निकाल दिया था। सूरज का बदलता रवैया वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो 6 लेटर का, ये जो 6 पन्नों का लेटर था उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। लेकिन अभी जो कोर्ट से खबर आ रही है वो ये कहती है कि सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। तो इसको लेकर अगर फैमिली का या किसी का कोई रिएक्शन आता है, हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।